इसराइल और हमास के बीच 12 दिन से जारी संघर्ष में मंगलवार को एक बड़ा मोड़ आया। गाजा में एक अस्पताल में रात को एक भीषण ब्लास्ट हुआ जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आई। इसे लेकर जहां फिलिस्तीन के संगठनों ने इसराइल पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं इसराइल ने इसके पीछे फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार बताया। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल पहुंचे और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अस्पताल पर हमले के पीछे किसी और का हाथ लगता है। जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने कहा कि ऐसा लगता है कि गाजा में अस्पताल पर हमला किसी अन्य द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि वह इस घटना से बेहद व्यथित और गुस्से में है। उन्होंने कहा कि मुझे अब तक जो पता चला है उस हिसाब से यह किसी और टीम द्वारा किया गया है, न कि आपके यानी कि इसराइल द्वारा। लेकिन बहुत सारे लोग और भी हैं जो इस बारे में तय नहीं हैं। इसलिए हमें काफी चीजों पर विचार करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस संकट की घड़ी में मेरा यह दौरा यह दर्शाने के लिए है कि अमेरिका हर हाल में इसराइल के साथ है। उन्होंने 7 अक्टूबर की घटना को लेकर कहा कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं कहूँ कि हमास ने 1300 लोगों का नरसंहार कर दिया जिसमें कई अमेरिकी भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि उन इसराइली बच्चों का सोचिए, बंधकों का सोचिए जो हमास के हमलों से बचने के लिए छिपने की जगह ढूंढ रहे होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका लगातार इसराइल का समर्थन करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इसराइलियों की हिम्मत और बहादुरी जबरदस्त थी और वे इसराइल आकर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात हमास ने दावा किया था कि इसराइली सेना ने गाजा के एक अस्पताल पर हमला कर दिया जिसमें करीब 500 लोगों की मौत की खबर सामने आई। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा था कि अस्पताल की ध्वस्त इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि अगर इस हमले की पुष्टि हो जाती है तो यह हमला 2008 के बाद से लड़े गए 5 युद्धों में अब तक का सबसे घातक इसराइली हवाई हमला होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।